हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त फार्मेसिस्ट शितांशु टोरिया स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजू फार्मेसी पर। आज का हमारा वीडियो होने वाला जन औषधि केंद्र पर मिलने वाले एक इंजेक्शन के बारे में, जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पूरा 3 ml का एक पैक आता है, जिसके ईच ml में डाइक्लोफेनेक 25 mg पर रहेगा। मतलब यहाँ टोटल जो है 75 mg का एक इंजेक्शन है। इसके एक इंजेक्शन की अगर प्राइस के बारे में हम बात करें तो यहाँ 4 रुपए कॉस्ट करता है, जो कि आपको जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध हो जाता है। इस्तेमाल अगर इसके हम जाने तो जो डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन होता है, यहाँ एक काफी स्ट्रॉन्ग पेन किलर इंजेक्शन माना जाता है, जिसे हमारे शरीर में होने वाले कई प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर फ्रैक्चर हो जाता हो, जिसका काफी असहनीय दर्द हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में इस इंजेक्शन को लगाने पर बहुत ही जल्द रिलीफ मिल जाता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, जोड़ों में दर्द की समस्या हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी परेशानी में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर सिर दर्द हो रहा हो, माइग्रेन की परेशानी हो, तो इस कंडीशन में भी जो है इस इंजेक्शन को लगाया जाए तो जल्दी रिलीफ मिल जाता है। और भी इसके कई सारे फायदे हैं, जो कि हम एक एक कर जान लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ हो तो उसके जो दर्द को अगर डॉक्टर कम करना चाहें तो इस पेन किलर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इंजरी के दर्द को अगर कम करना हो तो भी इसका उपयोग हो सकता है। इसके और भी फायदे हैं, जैसे बैक पेन की समस्या हो, शारीरिक दर्द हो, किसी व्यक्ति को अगर दांतों में दर्द हो रहा हो या किडनी स्टोन का पेन हो, इन सभी कंडीशन में इसे लगाने पर जल्द ही रिलीफ मिल जाता है। तो ओवरऑल इस इंजेक्शन का जो उपयोग है, हमारे शरीर में होने वाले कई प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब हम इसके कुछ साइड इफेक्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन को जहां पर हम लगाते हैं, लगाने वाली जगह पर दर्द, सूजन या रेडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। नौसिया, उल्टी या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी देखी गई है, जो कि हर कंडीशन में नहीं होता है। डोज भी इसके हम जान लेते हैं। तो इसे अडल्ट में इस 3 ml के पैक को पूरा इंजेक्ट किया जाता है। 75 mg एक बार में ही दिया जाता है। और आप लगाने से पहले इसमें चेक जरूर कर लीजिएगा कि इसमें IM दिया गया है या IV। इस इंजेक्शन के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो है IM को मेंशन किया गया है, इंट्रामस्कुलर इसे लगाया जाता है। बाकी अगर एज और वेट कम हो तो डॉक्टर जो है डोज को कैलकुलेट करके लगाते हैं। इसके अगर हम कुछ सावधानियों के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी वाली कंडीशन हो तो डॉक्टर को आप सूचित जरूर करें। लीवर या किडनी से जुड़ी कोई परेशानी है तो डॉक्टर को आप जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। इसी तरह रोजाना अगर आपको दवाइयों से जुड़ी जानकारी जानना पसंद हो तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल एजू फार्मेसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।